अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय आशीष टेक स्किल्स ATS रीवा, नंबर वन कोडिंग इंस्टीट्यूट इन रीवा, एड्रेस फर्स्ट फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पति पत्नी ने मिलकर एक युवक की हत्या करने के बाद अपने ही घर के अंदर गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। मामला तब उजागर हुआ जब आरोपी के पिता को घटनाक्रम की जानकारी लगी। जब पिता को बेटे और बहू की हरकत का पता चला तो खुद थाने में जाकर इसकी सूचना दर्ज करवाई। वारदात की जानकारी होने के बाद पुलिस ने घर के अंदर से दफन शव को बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। दरअसल सिंगरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र के चटनीहा गाँव में युवक राम प्रताप साकेत, पिता गोपीलाल साकेत, उम्र 32 वर्ष, निवासी हर्रा चंदेल की हत्या 6 दिन पहले की गई थी। हत्या के बारे में किसी को पता ना लगी, इसलिए आरोपी दंपति ने शव को अपने ही घर के अंदर गड्ढा खोदकर दफना दिया। इसके बाद घर से पति पत्नी फरार हो गए। जैसे ही इस घटना की जानकारी आरोपी के पिता को लगी तो पिता ने खुद थाने जाकर अपने ही बेटे बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने घर के अंदर दफनाए शव को निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी विद्या सागर बंसल, उम्र 22 वर्ष, निवासी चटनीहा, पत्नी के साथ फरार हो गया था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक राम प्रताप साकेत का संबंध आरोपी के पिता से था। घटना दिनांक को जब राम प्रताप साकेत आरोपी विद्या सागर बंसल के घर पहुंचा तो उसके पिता घर पर नहीं थे, उसकी पत्नी और छोटी ननद घर पर थी। दोनों ने राम प्रताप को घर से जाने को कहा लेकिन वह नहीं गया। आरोपी विद्या सागर घर पहुंचा तो उसने भी उसे घर से जाने को कहा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद आरोपी ने घर में रखी कुल्हाड़ी से वार कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक ने आरोपी की पत्नी के साथ गलत करने का प्रयास किया था, तभी उसका पति आ गया। इसके बाद गुस्से में आकर वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी पति पत्नी आंध्र प्रदेश में रहकर मजदूरी का काम करते थे, कुछ दिन पहले ही गांव में आए हुए थे। फिलहाल पुलिस ने हत्या में शामिल दंपति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय आशीष टेक स्किल्स ATS रीवा, नंबर वन कोडिंग इंस्टीट्यूट इन रीवा, एड्रेस फर्स्ट फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा।